अक्सर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो देखे जा रहे हैं जो कि विचित्र प्राणियों से भरे हुए हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के कैमरों में ऐसे कुछ विचित्र जीव कैद हो गए जिन्हें हमने और आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है। जी हाँ, इस वीडियो में बात करते हैं हम कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो जो है वो है हमारे दिल्ली के कुतुब मीनार का। दिल्ली के कुतुब मीनार पर एक लड़का और एक लड़की अपना फोटो खिंचवा रहे थे, तभी उनके कैमरे में एक ऐसा जीव आता है जो कि इंसानी रूप जैसा दिखता है और वो हवा में उड़ रहा होता है। जी हाँ, ये विचित्र जीव को देखने के बाद लोगों में काफी हलचल और काफी भगदड़ मच चुकी थी। अरे ये वीडियो मोड में आ गया है, वेट अ मिनट। अभी पीछे देख तो क्या है, व्हाट द हेल, दैट वाज समथिंग फ्लाइंग राइट, गैस ऑफ नहीं दिख रहा। वो देख ना, ही इज कमिंग बैक नाउ, वीडियो ले जल्दी। दूसरा वीडियो सिविस लाइन का है। ये वीडियो तब शूट किया गया जब क्लोज सर्किट कैमरे से सीवर में आई गड़बड़ी की जांच चल रही थी। कैमरा ऑपरेटर के अनुसार वह जीव चूहे से दिखने में काफी बड़ा था, पर वह चूहे जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें भी काफी चमक रही थी। तीसरा वीडियो जो है वो हमारा यूएस के एक व्यक्ति द्वारा कैमरे में कैद की गई वीडियो फुटेज की है। इस व्यक्ति को घर के आंगन में कुछ दिनों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। एक दिन उसने फैसला किया और अपनी टॉर्च और अपना कैमरा उठाया और उस आवाज का पीछा किया। फिर जो उस व्यक्ति के कैमरे में कैद हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। उसके कैमरे में एक ऐसा जीव कैद हुआ जो ना ही इंसान था और ना ही जानवर। चौथा वीडियो है पिकनिक पर आए एक परिवार द्वारा बनाए गए वीडियो का। इसमें एक पिता अपनी बच्चियों का वीडियो बना रहा था, तभी उसकी उसके कैमरे में एक ऐसा जीव आता है जो तितली जैसा देखने पर लगता है, पर गौर से देखने पर उसके दो हाथ दो पांव भी हैं। कुछ दिनों के बाद इस जीव को पकड़ भी लिया गया था। Yeah. What's what? Yeah. Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god! Our last video is from Portugal, in a Viran area. इस इलाके में कुछ लोग अपना वीडियो बना रहे थे, तभी उनके कैमरे में एक विचित्र जीव कैद हो गया। इसे जब जूम किया गया तो यह किसी पिशाच जैसा लग रहा था। जब स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया यह एक छुपा हुआ कावरा है जो उनकी भेड़ों को उठा ले जाता है और उनका खून चूस लेता है।